फ्रेंड्स, हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 50 से अधिक फिल्में बनाई हैं. जी हां, यू गॉट इट राइट, मोर देन 50 फिल्म्स. ही इज प्रोड्यूस्ड सम ऑफ व्हिच आर आल्सो डायरेक्टेड बाय हिम. और अब इस शुक्रवार को उनकी पहली वाली फिल्म दीवाना में दीवाना रिलीज होने जा रही है. प्लस ही इज ऑन टू न्यूअर प्रोजेक्ट्स. ही इज करंटली मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स. जी हां, द डर्टी पिक्चर के बाद इट्स नाउ डर्टी पॉलिटिक्स. तो दोस्तों, लेट्स वेलकम केसी बोकाडिया. बोकाडिया साहब नमस्ते एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस. नमस्कार सर. नमस्कार. दीवाना में दीवाना, प्रियंका चोपड़ा गोविंदा की फिल्म, कुछ समय तक अटक गई थी, फिर वापस ऐसा सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि प्रियंका चोपड़ा एंड गोविंदा दोनों ने आपके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया सो दैट आपकी फिल्म सिनेमाघर तक पहुंच सके. क्या है, देखिए पिक्चर जो है ना सर, बन तो गई एक ही ड्यूरेशन में बन गई. अब मार्केट कंडीशन ऐसी हो गई, आपको तो पता है, आप तो खुद भाग्य विदाता है मार्केट के. कोमल जी बोले तो सब ठीक लगता है इंडस्ट्री को. तो इसलिए मैं आपके दरबार में आया हूँ भाई. दो बात मेरे लिए अच्छे बोल देगा तो शायद जितनी मदद प्रियंका गोविंदा ने की वो हेल्प नहीं करेगी, जितनी कोमल जी बोलेंगे वो मुझे हेल्प करेगी. अरे ये तो आपका बड़ा फायदा. आई नो, सो आई सैल्यूट यू कोमल जी. और रहा प्रियंका चोपड़ा और गोविंदा दोनों, देव एवरीबॉडी, मेरे तो पूरे करियर में हर एक्टर ने मेरा साथ दिया, बट इन दोनों ने भी खूब कोऑपरेट किया. और प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ज्यादा किया, उसमें किसी तरह का रुपया पैसा हर तरह से मेरा साथ दिया. मनी लिया ही नहीं, मैं अभी एक 18 लाख का चेक भेजा वो वापस भेज दिया. गोविंदा को बॉम्बे सर्किट दिया हुआ था, उसने भी छोड़ दिया. बोकाडिया साहब, नहीं आप इतने अच्छे आदमी हो और मैं, हम लोग नहीं सर, आप कमाओ तो हमको दो, नहीं कमाओ तो हम आपसे लेके और हमारे घर में ले जाना अच्छा नहीं लगता है. ये बिल्कुल सत्य बात है. तो ये लोग जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में खासकर एक्टर्स के सीने में दिल नहीं होता है, ये गलत है बातें? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है. मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे लोग आए. एक आए शाहरुख खान साहब, एक पिक्चर बनाई मैं हम तुम्हारे सनम, उस वक्त उनको एक एक्स अमाउंट में तय किया था. 8 रील के बाद में उन्होंने मेरे प्रमोद बोकाडिया को बोला, आपके बेटे को, बेटे को उस वक्त 95 लाख रुपीज हमने उसको देना था. 2 करोड़ रुपए में पिक्चर की थी हम लोग, तो 95 लाख उसने सडनली प्रमोद को बोला, पापा को बोलना अब मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा. तो हमने उनको जाके बोला कि साहब हम तो मारवाड़ी लोग हैं, जवान के धनी हैं, और कुछ आपकी वजह से तो प्रॉब्लम है नहीं मेरे को, है तो भी हम तो शेयर्ड लोग हैं, हम थोड़ी घबराते हैं. नहीं नहीं बोकाडिया साहब, आप जिद मत करिए, आप तो 95 लाख रुपया कुछ बेच बाच के दोगे, मैं 95 लाख 5 मिनट शादी अटेंड करके ले आऊंगा. तो मैं हमेशा सर, मुझे अच्छा रहा तजुर्बा. इसका ये मतलब है कि आपने बहुत अच्छा गुडविल बनाया है इंडस्ट्री में. फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा समय चल रहा था आपका, प्यार झुकता नहीं, कुदरत का कानून, तेरी मेहरबानियां जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद, ऐसा क्या दौर आया कि सडनली सर ये कैसे होता है इंडस्ट्री में? आप सुनो, आप ये आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ, मेरे पे भगवान की असीम कृपा है. प्यार झुकता नहीं 85 में लगी, आज 2013 है, 28 साल से मैं न्यूज पे हूँ, ट्रैक पे हूँ. मेरे साथ वाले कितने लोग चले गए, एक भी नहीं है. आप मेरे साथ वाले, आप एक आदमी का नाम बता दे, आई एम स्टिल देयर, आई एम ऑन द ट्रैक. मेरी लास्ट पिक्चर रिलीज हुई हम तुम्हारे सनम, उसके बाद सनी डेवल की पिक्चर अभी भी रिलीज हुई, अभी फिर जा रही है पिक्चर, आधे से ज्यादा होगी डर्टी पॉलिटिक्स. तो मैं आई डोंट थिंक ये लोग ही बोलते हैं बुरा वक्त, मैंने तो बुरा वक्त देखा नहीं. अब जब वापस आप फिल्म बना रहे हैं ये डर्टी पॉलिटिक्स, तो इतने सालों में कुछ बदलाव आया है इंडस्ट्री में कि वैसे ही है? नहीं, मैं नहीं सर, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है. मैं आपको बताऊं, मैंने किसी एक्टर से नहीं पूछा आप क्या लेते हो, मैंने बोला मैं ये दूंगा और सबने एक्सेप्ट किया सर, सबने काम किया मेरे साथ. ओमपुरी जी, अनुपम खेर जी, अतुल कुलकर्णी, सुशांत सिंह, आशुतोष राणा, गोविंद नामदेव, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, मलिका शेरावत, इवन मलिका शेरावत यार, शी इज टू गुड. अभी जब मलिका शेरावत के साथ आपकी ये पहली फिल्म होगी? पहली फिल्म, बट इवन देन बोले बोकाडे साहब आपकी फिल्में देख देख के बड़ी हुई हूं मैं, मुझे तो कोई किसी तरह की सिकवे गिला नहीं है. और अभी भी आगे 2 पिक्चर बहुत बड़ी शुरू हो रही है, लाइक हम तुम्हारे सनम की तरह. मेरे बहुत लोगों से, जैसे आपका ये रॉबर्ट वाला राउंड, रॉबर्ट वाला डायरेक्टर शंकर है, ही वाज एसोसिएट विद अस ऑन इन कुदरत का कानून. अच्छा, हकीकत है ना ये, देखो आप ट्रैक रिकॉर्ड है ना. तो ऐसे मेरा तो जो है इतना इजी हूं मैं, मुझे जिस दिन शुरू करना, अभी हमारे ये ग्रुप है ना, ये दोनों तीनों लोग, प्रफुल्ल जी, नागर साहब, ये मोदी जी, ये बोलते 10 पिक्चरें शुरू करो. दूसरा आदमी होता है बंबई में, उनके 100 करोड़ डलवा देता. हमने कहा सर जो 2-4 फिल्में बनाने वाला अच्छी फिल्म नहीं बना सकता. तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है उससे बिजनेस तो बढ़ गया है लेकिन पैशन कहीं मिसिंग है? यस, फिल्म हिंदुस्तान के फिल्म का कल्चर खत्म हो गया सर, वो मजा नहीं है जो लोगों को मजा आता था. अब ये क्या है, आप बना रहे हो, टीन एज जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 125 करोड़ में कितने लोग आप अंदर लेके जा रहे हो?
तो आपका कहने का मतलब है भले ही हम 100 करोड़ की बातें कर रहे हैं, 150 करोड़ की बातें कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, हम लोग जब पिक्चर थिएटर में लगाते थे 1200 सीट की कैपेसिटी होती, 1200 लोग बाहर होते थे, वो आनंद कहाँ? तेरी मेहरबानियां लगी मराठा मंदिर के सामने 2-2 फीट पानी था। आज का अर्जुन जब लगी गोरी या कलैया गाना, पब्लिक में रनिंग शाउट हुआ वंस मोर वंस, थिएटर में रोक के साला जोधपुर में वापस चलाना पड़ा गाना। वो किधर है सर, वो आनंद किधर है? बाकी ठीक है सर, हम भी जमाने के साथ है, हमने किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, और ना मेरी आदत है मैं अपना कोई हाइप करता ही नहीं हूँ। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये फिल्म बनाई है, दीवाना मैं दीवाना, मैंने कोशिश करके अच्छी फिल्म बनाई है, और मैंने आप लोगों को हमेशा अच्छा प्रोडक्ट दिया है पब्लिक को, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके देखें, तो इससे अच्छी फिल्मों का हौसला बनेगा, वापस एक ट्रेंड चेंज होगा। मुझे ये बताइए, प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म में तो आपकी मदद की, गोविंदा ने भी बहुत मदद की, जैसे आपने कहा कि हमने चेक भेजा तो बोले नहीं चेक नहीं लेंगे, ये फिल्म बस रिलीज कर दो, अच्छे से रिलीज हो जाए, तो कहीं वापस प्रियंका चोपड़ा से कोई अगली फिल्म की बात? वो कुछ भी तैयार है, एनीथिंग। और मैं आपको प्रियंका के इवन जॉनी लीवर जैसे आदमी ने यार पैसे नहीं लिए, बताओ इस फिल्म के लिए। हाँ, ये मतलब मैं पहले जो एग्रीड था, बाद में मैं 3 दिन शूटिंग करने को बोला मैं एक शूटिंग करूंगा एक कंडीशन पे, आप 1 रुपया भी नहीं दोगे। मैं आपको किस किस का बोलो, देखिए इंडस्ट्री को लोग खराब क्यों बोल रहे हैं, वो खुद खराब है, आप जैसी बोल फेंकोगे वैसे आएगा। अगर आप अच्छे हो, मैं आपको नाटा साहब बोलूंगा तो आपको बुकड़े साहब बोलना पड़ेगा, मैं नाटा कोमल नाटा बोलूंगा तो आप बुकड़े ही बोलोगे ना सर। तो ये है सर, अच्छे रहो तो अच्छे मिलेगा सर। मैं तो बहुत आपको बता, इससे बढ़िया इंडस्ट्री नहीं, इससे अच्छे लाइन नहीं। आप साला अंदर चेक इन करते हो ना एयरपोर्ट में, किसी बुकड़े का नाम देखता सर कैसे बुकड़े साहब कैसे हो, तो वो मजा किधर है सर? आप 50,000 का बिल्डर चले जावे कोई भी एक्स नाम लेके, मिस्टर साइंस कौन जानता है उसको, इसमें जो एक्सपोजर है वो सर और कोई इंडस्ट्री में नहीं है। आप करो सर, ये लाइन से बढ़िया लाइन ही नहीं है बस। मैं आपको बोकाड़े साहब बीच में आपने सोचा था एग्जीबिशन ट्रेड में भी आने का, अभी बन रहे हैं, मेरा थिएटर बन रहा है। कहाँ बन रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। एक मकराना में बन रहा है, एक कुचामन, एक मेड़ता, छोटे-छोटे में, एक राजस्थान के छोटे टाउन लाख की पॉपुलेशन में बना रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं वो, दे आर डूइंग दिस थिंग। अभी देखिए, अगर 25 साल में 50 फिल्में बनाई ना, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा 5 साल में 50 बनाऊंगा। नॉट मी, मैं तो एट ए टाइम एक ही बनाऊंगा, बट मेरे बच्चे बनाएंगे। परिवार इतना लंबा है, 5 लोग है, तो 5 फिल्म तो एट ए टाइम बना ही सकते, एक बच्चे को एक एक सौंप देंगे। और फिर हमारा क्या है सर, बहुत खुद ही राइटर हूँ, खुद ही डायरेक्टर, हर तरह से इजी है सर। बट आई होप सो टाइम विल कम बैक सर, बट आई एम वेरी हैप्पी। देखो सच्ची ब्रदर, मैं बताऊं आपको, बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे खूब दिया, पब्लिक ने खूब दिया, मैं तो डिजर्व भी नहीं करता सर। मेरे बाप ने कभी फिल्म भी नहीं देखी थी वहां से, गांव से उठ के आदमी आज 27 साल से, बट वही तो काबिले तारीफ बात है ना सर। आप सोचिए इतना ट्रैक पे हूँ और इतना अच्छे रेस्पेक्टफुली ट्रैक पे हूँ सर, मुझे समझ ही नहीं आता है ये बोलते बुरा और अच्छा किसका, वक्त तो यार हमेशा ही अच्छा रहा ना, उसकी कृपा रही मेरे पे। तो आप ये करिश्मा होगा इस पिक्चर फ्राइडे को, आप आई होप सो। और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल आशीर्वाद भगवान का आपके ऊपर है सर। प्लस हमारी भी यही दुआ है कि आपकी फिल्म वो कर दिखाए जो आपने भी नहीं सोचा हो। विश यू गुड लक फॉर दिस शो स्पेशली, और आपने सर इस शो को इतना पॉपुलर कर दिया कि यू नो बेटर टीआरपी क्या है, बट मेरे हिसाब से पब्लिक में, फैमिलीज में कोमल नाटा का शो जरूर देखते हैं। थैंक यू जी बोकाड़िया साहब, हम तो यही चाहेंगे कि आपकी फिल्म भी फैमिलीज भर भर के आए सिनेमाघरों में एंड आपकी फिल्म को भी हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तो दोस्तों ये थे बोकाड़िया साहब, इनकी फिल्म दीवाना में दीवाना इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, और जैसा इन्होंने कहा कि ही हैज रीशॉट अ लॉट ऑफ पोर्शंस, एंड यू कैन बी श्योर कि अगर ये कह रहे हैं, द फिल्म इज डेफिनेटली गोइंग टू लुक लाइक अ फ्रेश फिल्म। तो गो एंड हैव अ लुक इस शुक्रवार को या इस वीकेंड को। आपको क्या करना है, यू गॉट टू गो टू अ सिनेमा स्क्रीनिंग दीवाना में दीवाना। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।